20 साल पहले 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध की कहानियाँ जब भी सुनाई जाती हैं, तो अपने जवानों के लिए मन में यकायक गौरव और प्रेम की भावना उठने लगती है। उनकी शौर्य गाथा सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि शहीद हुए जवान कोई आम इंसान नहीं थे। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 यानी पूरे 2 महीने तक युद्ध चला था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जंग में भारत के लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धा शहीद हुए थे, वहीं 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। कारगिल में ऊंचाई पर बैठे दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने एक खास ट्रिक अपनाकर इसे मुमकिन बनाया और दुश्मन का खात्मा करके ही सांस ली। ये ट्रिक कुछ और नहीं बल्कि एक खास ट्रेनिंग थी जिसका नाम है साइलेंट मूवमेंट। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने बताया कि मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना ने युद्ध में एक खास रणनीति यानी साइलेंट मूवमेंट का इस्तेमाल किया था। जवानों और अफसरों को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले बकायदा साइलेंट ड्रिल भी करवाई गई थी। पहाड़ों पर दुश्मन की ओर बढ़ते हुए इस साइलेंट मूवमेंट में जवानों और अफसरों को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में कराहने तक की इजाजत नहीं थी। आंखों की भाषा को समझकर आगे बढ़ते हुए दुश्मन के बंकरों को ढूंढ कर उन पर हमला बोलना था, ताकि दुश्मन को संभलने और फायरिंग करने का मौका ही न मिले। भारतीय सेना की रणनीति कई मोर्चों पर कारगर साबित हुई। दरअसल दुश्मन LOC की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था और नीचे भारतीय फौज को दुश्मन को खत्म करके जमीन वापस लेने का टास्क दिया गया था। कई सैन्य प्लाटूनों को LOC के विभिन्न मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज से लोहा लेना था। मुश्किल यही थी कि ऊपर बैठा दुश्मन नीचे भारतीय फौज की मूवमेंट देख पा रहा था। भारतीय जवानों और अफसरों को ऊपर चोटियों पर छिपे ना तो पाकिस्तानी दिख रहे थे और ना ही उनके बंकर। इसके लिए ही ये साइलेंट रणनीति अपनाई गई और ऊपर नीचे की मुश्किल स्थिति को भेद कर दुश्मन का खात्मा किया गया। ऐसे में LOC की दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा गया 1999 का कारगिल युद्ध दो देशों के बीच एक दुर्लभ लड़ाई थी। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार के अनुसार युद्ध में कई मौकों पर ऐसी परिस्थितियां भी बन गई थी कि उन शूरवीरों को दुश्मन के एकदम आमने सामने होकर युद्ध करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जवान और अफसर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे, जिससे जोश, जुनून और जज्बा लगातार बरकरार रहता था। AmarUjala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।